सेक्स करने का सही तरीका और साथ ही इसे सुरक्षित और रोमांचक बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। सेक्स तभी बेहतर माना जाता है जब पुरुष या महिला दोनों को ही प्लेजर मिले। आप पहली बार सेक्स कर रहे हों या 20वीं बार, हर बार आपके मन में यही सवाल होता है कि सेक्स को अच्छे तरीके से कैसे करें जिससे आपके पार्टनर को चरम सुख प्राप्त हो। सेक्स कैसे होता है, अच्छा और रोमांस से भरा सेक्स कैसे किया जाता है, ये सब हम आपको बताएंगे। सेक्स करने का सही तरीका इंसान के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन अंत में इसका मकसद एक ही होता है, अपने पार्टनर को संपूर्ण प्लेजर पहुंचाना। हम यहाँ पर सामान्य तरह के सेक्स यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रहे, जिसमें पुरुष और महिला के पेनिस और योनि का मिलन होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी इसे करने से पहले कई तरह की तैयारियां कर सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू करने से पहले दोनों ही पार्टनर को सेक्स को लेकर उत्साहित होना चाहिए और साथ ही साथ इस दौरान किसी पर प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। अगर आप दोनों इस सेक्स का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे की रजामंदी लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें पार्टनर की सहमति और उसके मन की इच्छा जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नीचे कुछ सेक्स टिप्स हैं जो आपको संभोग करने के सही तरीके से अवगत कराएगा और आपके सेक्स के अनुभव को और रोमांचक बनाएगा। सेक्स से पहले फोरप्ले है जरूरी। फोरप्ले एक ऐसा कार्य है जो सेक्स करने के पहले किया जाता है। इसमें पुरुष और महिला एक दूसरे के शरीर को संभोग करने के लिए तैयार करते हैं। इस क्रिया में एक दूसरे को किस करना, प्यार से स्पर्श करना और महिला के संवेदनशील अंगों को जीभ से छूने की क्रिया को शामिल किया जाता है। इससे महिलाओं की वेजाइना में प्राकृतिक सेक्स लुब्रिकेंट बनना शुरू हो जाता है, जबकि पुरुष के पेनिस में उत्तेजना आ जाती है। इसके बाद महिला और पुरुष दोनों ही सेक्स के लिए तैयार हो जाते हैं। फोरप्ले करने से दोनों जल्द ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के उत्तेजना के नए स्तर पर पहुँच जाते हैं। इस तरह सेक्स के दौरान फोरप्ले महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्स से पहले प्यार और किस करना है जरूरी। सेक्स करने से पहले जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को प्यार का अनुभव कराएं। पार्टनर के वीक पॉइंट्स पर आपका प्यार भरा स्पर्श या पूरी उत्तेजना के साथ किया गया किस आपके सेक्स के अनुभव को और अच्छा बना देता है। अधिकतर महिलाओं को कामुक स्पर्श, होठों का चुंबन बेहद उत्तेजित करता है और उनके अंदर की सेक्स ड्राइव और तेज होती है। इससे आपका सेक्स का अनुभव भी अलग लेवल पर चला जाता है। सेक्स करने की सही स्थिति का चयन करें। सेक्स करने के लिए कई तरह की सेक्स पोजीशन को आजमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई खास पोजीशन सेक्स को बेहतर और सुरक्षित बनती है। आमतौर पर सेक्स के दौरान यह देखा जाता है कि महिला नीचे की तरफ लेट जाती है और पुरुष उनके ऊपर लेटते हुए सेक्स करते हैं। इस पोजीशन को मिशनरी पोजीशन कहते हैं। अधिकतर कपल्स इस तरह की पोजीशन को ही अपनाते हैं। इसके अलावा सेक्स के दौरान महिलाओं का पुरुषों के ऊपर आने वाली भी कई तरह की पोजीशन है। इन पोजीशंस को महिलाएं बेहद एंजॉय करती हैं क्योंकि उनके क्लाइटोरिस महिलाओं के शरीर का सबसे ज्यादा उत्तेजित करने वाला अंग पर प्रेशर पड़ता है और महिलाएं ऑर्गेज्म तक पहुंचती हैं। सेक्स के दौरान जरूरी है कंडोम। सेक्स करने के लिए पुरुषों का कंडोम लगाना बेहद जरूरी होता है। पुरुष को पेनिस और वेजाइना के संपर्क में आने से पहले ही पेनिस पर कंडोम लगा लेना चाहिए। इससे दोनों के लिए यौन संचारित रोग होने के जोखिम कम हो जाते हैं। साथ ही कंडोम का इस्तेमाल करने से अनचाहे गर्भ को भी रोका जा सकता है। अगर आपकी महिला साथी सेक्स से पहले कंडोम का इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो उनको करीब 8 घंटे पहले इसका उपयोग करना चाहिए। सेक्स के दौरान ना करें कोई जबरदस्ती। कई बार पुरुष अपनी यौन इच्छाओं को या सेक्स फैंटेसी को पूरा करने के लिए महिलाओं को उन चीजों को करने को मजबूर करते हैं जो वो नहीं करना चाहती। इनमें ओरल सेक्स, वाइल्ड सेक्स, अनल सेक्स जैसी चीजें शामिल हैं। सेक्स करने से पहले आपको अपने पार्टनर की इच्छा का पता होना चाहिए। आपको ये पता कर लेना चाहिए कि आपके पार्टनर को किस तरीके से सेक्स करना पसंद है।
एक बार जब आपका पार्टनर आपके साथ सेक्स करने में सहज हो जाए, उसके बाद आप अपनी इच्छा उसे बताएं। अपने पार्टनर को थोड़ा समय दें, जिससे वो आपकी इच्छाओं का भी ध्यान रखे। अगर साथी इस क्रिया में सहज नहीं हो पा रहा तो आप परेशान न हो, क्योंकि कई बार साथी को स्थिति को समझने व अपनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है। पेनिस को वेजाइना में प्रवेश कराने का तरीका। फोरप्ले के बाद दोनों ही साथी जब सेक्स के लिए तैयार हों, तब पुरुष महिला की सहमति मिलने के बाद उनकी वेजाइना में अपने पेनिस को प्रवेश करा सकता है। पेनिस को वेजाइना के मुख पर ठीक से पहुंचाने के लिए अगर अपने हाथों की मदद लेनी पड़े तो जरूर लें। यहां तक कि महिला को भी इसमें पुरुष की मदद करनी चाहिए। महिला पेनिस को अपने हाथ में लेकर वेजाइना के मुख पर रख सकती है। उसके बाद पुरुष का काम शुरू होता है। अब पुरुष को धीरे धीरे पेनिस को वेजाइना के अंदर ले जाएं, फिर इसको थोड़ा सा बाहर निकाले, फिर थोड़ा अंदर ले जाएं। यह क्रिया कुछ बार दोहराएं। जब यह क्रिया स्वाभाविक हो जाए तो आप दोनों सेक्स का आनंद लेने लगेंगे। इस तरह सेक्स को करते समय आप दोनों ही साथी सहज महसूस करने लगेंगे। हालांकि कुछ ऐसी सेक्स पोजीशन भी हैं जिसमें महिला पुरुष के ऊपर होती है और वह खुद ही पेनिस को वेजाइना के अंदर प्रवेश करवा देती हैं। इस दौरान आप या आपका साथी जब भी किसी क्रिया में रुकना चाहे तो आपको रुकना होगा। सेक्स के दौरान कई बार साथी किसी नए तरीके में सहज नहीं हो पाता है। ऐसे में आपको उनकी असहजता का ध्यान रखते हुए तुरंत उस क्रिया को रोक देना होगा।